आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। दोस्तों आज मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि आज मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जो कि दो पार्ट में आपको प्रीवेट पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। पहला पार्ट इंटरव्यू का रहेगा, दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रिटन एग्जाम का रहेगा, क्योंकि दोनों अगर एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन देखने को मिले ही नहीं। इसलिए मैं पहले आपको इंटरव्यू का बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको रिटर्न एग्जाम का बताऊंगा। तो दोस्तों पीडीएफ हमारी तैयार हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, बस आपको समझाने की देर है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगी है पीडीएफ बनाने, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत कम है पर उनको जो बनाने में जो मेरी एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने उन्हें बनाया है तो उसके 98% चांस है कि वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम पीडीएफ की ओर चलते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर हम चल देते हैं पीडीएफ की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू, यहाँ पर आपको चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा। इस चैनल पर आप डायरेक्ट क्लिक, इस लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर ये पीडीएफ आपके पास पहुंचती है तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसेवा मित्र इंटरव्यू के लिए संभावित प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या रहेगा कि सरकार द्वारा किसानों, युवाओं, वृद्ध व विधवाओं, इसके अलावा आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगार के लिए बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार द्वारा किसानों, युवाओं व वृद्ध व विधवाओं के लिए चलाई जा रही कि नहीं 2 से 3 योजनाओं के नाम बताइए। जैसे कि हम किसान के बारे में बात करें तो पीएम किसान योजना, सीएम किसान योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, और युवाओं के लिए बात करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये बता सकते हैं कि जो आपकी जो सीखो कामा योजना उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उद्यम क्रांति योजना के बारे में बता सकते हैं, और वृद्ध के लिए आप बता सकते हैं कि पेंशन योजना, तीर्थ योजना, और विधवाओं के लिए भी आप पेंशन योजना बता सकते हैं। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको सभी की योजनाओं के 2 से 3 आपको नाम पते होने चाहिए। वैसे तो आप सभी को पता ही होंगे, ठीक है, आपके विकासखंड में कितनी पंचायत है, जिले में कितनी पंचायत, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि बताइए कि आपके विकासखंड में कौन सी कितनी पंचायत है, टोटल कितनी पंचायत है, ठीक है, या आपके जिले में टोटल कितनी पंचायत है। तो ये सभी आपको जनरल नॉलेज ही आपको पता रहना चाहिए। आप जनसेवा मित्र बनकर क्या अलग करना चाहते हैं बाकियों से, ठीक है। जनसेवा मित्र तो सभी बनना चाहते हैं पर आप अलग क्या करना चाहते हैं बाकियों से, तो कुछ इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन रह सकता है। अगर आपको चाहिए कि इन सभी के मैं आंसर आपको लिख के बताऊं तो उसका एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो ही मैं लिख के बताऊंगा, ठीक है। आपने हाल ही में कौन सा कोर्स किया है, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, जैसे आप बोलते हैं PGDCA, एमए बोलते हैं, बीकॉम बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं, तो इनसे आपका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि पीजीडीसी का फुल फॉर्म बताओ, पीजीडीसी कर रहे हैं तो आप पीजीडीसी का बोल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, वो बीकॉम का पूछ सकते हैं, बीएससी का पूछ सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो कोर्स किया उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास आपकी खुद की बाइक है या पिता की है, ठीक है, तो इससे आपको बोल देना है नहीं मेरी खुद की बाइक है और स्मार्टफोन मेरे पास अवेलेबल है, और वो पूछ सकते हैं कंप्यूटर चलाते आता है तो आपको हाँ बोल देना है, ठीक है, कंप्यूटर चलाते आता है, जी हमको आता है कंप्यूटर चलाने। और यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं अपने विकासखंड यानी कि जनपद पंचायत के मुख्य अधिकारियों के नाम, या अपने जिले के या विकासखंड के मुख्य अधिकारी जैसे नाम, जैसे कलेक्टर हो गया, ठीक है, सीओ सर हो गए, अपर कलेक्टर हो गया, जनपद जनपद सीओ हो गया, ठीक है, इन सभी के और ज्यादा भी नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप जिला कलेक्टर बोला तो आप जिला कलेक्टर को याद मत रखिए, जिला कलेक्टर का सीओ भी, सीओ का नाम भी याद रखिए, अपर कलेक्टर का नाम भी याद रखिए, जनपद सीओ का नाम भी याद रखिए, ठीक है, ठीक है? वो पूछ सकते हैं आपसे। और आप इंटर्नशिप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, क्या मकसद है कि आप इंटर्नशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, थीके? आपसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, जैसे आप क्या काम करते हैं इंटर्नशिप के लिए, आप 6 महीने फ्री रहोगे या नहीं, आगे क्या करना चाहते हो, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि इंटर्नशिप का मतलब क्या हो रहा है, जब आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या होता है,
तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज है, मैं अगर इतने सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो यहाँ पर कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये सीखो कमाओ योजना में कितने पैसे मिलेंगे, लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन पात्र है, ये सभी जानकारी आपको तो पता रहेगी। ये जनसेवा मित्र के इंटरव्यू में पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न है, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यदि जनसेवा मित्र से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ये तो मैंने मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि हमसे किस की मेरे साथ जितने 15 लोग थे उनसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ये इस आधार पर मैंने ये टोटल 9 क्वेश्चन आपको बनाकर बता दिए। आप अपने हिसाब से भी जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, और किसी के बहकावे में बताइए कि इंटरव्यू के लिए 51 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बस जो मैंने आपको बताया इससे आप एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और आपको यदि लगता है कि ये भी कर लेना चाहिए तो आप बिल्कुल पढ़िए। मैं बिल्कुल मना नहीं बोलूंगा कि आप बाकी कुछ मत पढ़िए, बस ये PDF पढ़िए, आप ये तो पढ़िएगा ही। ठीक है, और जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आप वो तो 4 से 5 लोग बैठेंगे उनके मुंह में जो आएगा वो पूछ लेंगे, पर जो संभावित क्वेश्चन है वो यही है, इससे ही आपके आधार पर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही रिटन एग्जाम के आधार पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसका जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड आपको करवा देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें। और दोस्तों आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो भाई बहन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो परेशान है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, और आपको भी एक वो धन्यवाद देंगे कि आपने हमें PDF प्रोवाइड कराई। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।